प्यारे मित्रों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक न्यू क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो कि बोर्ड पर नोट है। देखिए, राइट शॉर्ट नोट अबाउट टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग। देखिए, ये टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग का क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग, टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग। देखिए, इस सिस्टम में टेंडर को टू पार्ट में डिवाइड कर डाला जाता है। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं टेक्निकल बीड, और सेकंड पार्ट जो है फाइनेंशियल बीड। टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग 10 करोड़ से ऊपर वैल्यू वाले टेंडर के लिए अपनाया जा सकता है। टेक्निकल बीड वाले सील्ड लिफाफे में स्पेशल कंडीशन, टेक्निकल कंडीशन एंड कॉमर्शियल डिटेल होता है। इस पैकेट पर ए मार्क कर टेक्निकल बीड लिख दिया जाता है।
दूसरे दूसरे सील्ड सील्ड लिफाफे लिफाफे में केवल केवल कार्य का रेट रेट्स होती है या होता है तथा तथा उस लिफाफे पर बी मार्क करते हुए फाइनेंशियल बीड लिख दिया जाता है। देखिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सील्ड लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर सील्ड कर के उस पर भी पूर्ण विवरण लिख दिया जाता है। सर्वप्रथम टेंडर ओपन करते समय ए मार्क टेक्निकल बीड को ओपन किया जाता है। कंडीशन पढ़ने के बाद टेंडर कमिटी द्वारा टेंडर से स्वीकार की जाने वाली
की जाने वाली वाली शर्तों एवं एवं शर्तें शर्तें स्वीकार नहीं है उस पर टेंडरर से संवाद करते हैं। टीसी मेंबर्स द्वारा टेंडरर द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी पेपर्स की जांच की जाती है। इसके अलावा यदि टेंडरर का कोई कंडीशन मान्य नहीं है तो उसे बुलाकर उसकी सहमति से संशोधन किया जा सकता है। यहां बताना आवश्यक है कि जो टेंडरर सभी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनके प्रपोजल को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद जो टेंडरर टेक्निकल बीड में क्वालिफाई
कर जाते हैं उन्हीं उन्हीं टेंडरर का उन्हीं टेंडरर का लिफाफा लिफाफा बी लिफाफा बी अब्लिक फाइनेंशियल बीड फाइनेंशियल बीड ओपन किया जाता है ओपन किया जाता है तथा तथा उपलब्ध उपलब्ध रेट के बेस पर टीसी टेंडर कमिटी द्वारा नियमानुसार नियमानुसार टेंडर टेंडर अलॉट करने की कार्यवाही की जाती है देखिए यह है आपका टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग देखिए बहुत इजी है एक्चुअल में इस सिस्टम में जो टेंडर फिल किया जाता है उसके टू पार्ट होते हैं मतलब टू पार्ट में डिवाइड होता है एक तो टेक्निकल बीड और दूसरा फाइनेंशियल बीड देखिए एक्चुअल में ये जो टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग जो है मान लीजिए टेंडर वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर हो 10 करोड़ से ऊपर हो इस सिस्टम को अपनाया जा सकता है इस सिस्टम को अपनाया जा सकता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टू पैकेट सिस्टम के लिए लिमिट क्या है तो 10 करोड़ से ऊपर देखिए एक बात बता दें एक्चुअल में टेक्निकल बीड वाले सील्ड लिफाफा में स्पेशल कंडीशन टेक्निकल कंडीशन कमर्शियल डिटेल होता है जो टेंडरर टू पैकेट सिस्टम में भाई पार्टिसिपेट करते हैं तो जो टेक्निकल बीड वाला लिफाफा है उसमें हुए स्पेशल कंडीशन टेक्निकल कंडीशन और कमर्शियल डिटेल जो कि भाई टेंडर में टेंडर नोटिस में मांगा गया है उसको जो है उस डिटेल को जो है एक पैकेट में फिल करके बात समझिए उस पैकेट को सील्ड कर दिया जाता है और उस पर जो है ए मार्क कर देते हैं ए और इसके अलावा उस पैकेट पर मोटे शब्दों में टेक्निकल बीड लिख दिया जाता है और देखिए उस इसके अलावा अन्य डिटेल तो उस पैकेट पर रहेगा ही टेंडर नोटिस नंबर फर्म का नाम इत्यादि इत्यादि जो है इस पैकेट पर लिख दिया जाएगा लेकिन टेक्निकल बीड और ए मार्क कर दिया जाएगा ताकि देखिए पहचाना जा सके अच्छा इसके बाद दूसरा सील्ड लिफाफा में जो दूसरा सील्ड लिफाफा होगा उसमें ओनली रेट्स भरा जाता है रेट्स कोट किया जाता है और उसको भी सील्ड कर दिया जाता है देखिए रेट्स वाले पेपर को लिफाफे में डाल करके सील्ड कर दिया गया और उस पर बी मार्क कर दिया जाता है और उस पर भी फाइनेंशियल बीड लिख दिया जाता है और फिर जो है उसके ऊपर टेंडर नोटिस नंबर फर्म का नाम इत्यादि उस लिफाफे पर भी लिख दिया जाता है तो देखिए इसके अलावा अब देखिए हर टेंडरर का ये दो लिफाफा हो गया एक तो टेक्निकल बीड वाला दूसरा फाइनेंशियल बीड वाला
तो इसके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में फिर सील्ड कर दिया जाता है, एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर दिया जाता है। देखिए ताकि भाई देखिए एक्चुअल में अलग अलग मिक्स ना हो जाए, तो इसीलिए जो है भाई सभी मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डाल करके सील्ड कर दिया जाएगा और उस पर भी देखिए पूरा डिटेल लिखा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए सबसे पहले जो टेंडर जब ओपन होता है तो बड़े लिफाफे को खोला जाता है, तो उसके अंदर हर टेंडरर जितने भी टेंडरर पार्टिसिपेट किए हैं तो बड़ा लिफाफा जो ओपन किया जाता है, तो भाई देखिए टेंडर ओपनिंग जो अथॉरिटी है तो उन हर टेंडरर के लिफाफे में दो पैकेट मिलता है उनको, एक तो फाइनेंशियल बीड और एक टेक्निकल बीड वाला। तो देखिए एक्चुअल में जो जो टेक्निकल बीड वाला लिफाफा है उसको सेपरेट कर दिया जाता है और फाइनेंशियल बीड वाला लिफाफा सेपरेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है सिर्फ टेक्निकल बीड को ओपन किया जाता है, टेक्निकल बीड को ओपन किया जाता है। अच्छा, ओपन करने के बाद ठीक है इसका कंपेटिटिव स्टेटमेंट बनाने के बाद देखिए टीसी मेंबर्स जो होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है। तो देखिए जब टीसी मेंबर्स जो है टीसी करेंगे तो मान लीजिए उसमें ये देखिए ध्यान दीजिए स्पेशल कंडीशन, टेक्निकल कंडीशन, कॉमर्शियल डिटेल, भाई क्रेडेंशियल, ये सारी चीजें जो है फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा चीज टीसी जो है मेंबर को देखना होता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई टेंडर कुछ कंडीशन लिख दिया है तो उस कंडीशन को रेलवे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं करती तो टेंडरर को बुला करके और उसको जो है बताना पड़ेगा, उससे निगोशिएशन करना पड़ेगा। मान लीजिए उसको जो है उस कंडीशन को सपोज करिए कि कैंसिल करना है उस कंडीशन को, तो टेंडरर के सहमति से ही जो है कोई भी कंडीशन रद्द किया जा सकता है, समझिए ध्यान से। लेकिन देखिए तो टीसी मेंबर का ये कर्तव्य है कि देखिए कि सारा डिटेल जो कि टेक्निकल बीड में है और टेंडर नोटिस में जो भी चीजें मांगी गई है उसके अनुसार वो टेंडरर अगर फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो टेंडरर का जो देखिए एक्चुअल में टेंडर जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो सपोज करिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूं कि मान लीजिए 5 टेंडरर पार्टिसिपेट किए और उसमें जो है टीसी मेंबर को लगा कि जो एक टेंडरर है वह जो है देखिए क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकल बीड को क्वालिफाई करने वाले जो टेंडरर हैं वो सिर्फ 4 हुए। ठीक है, अब जो है ध्यान दीजिए फिर से जब देखिए 4 टेंडरर क्वालिफाई कर लिए हैं तो इंफॉर्मेशन टेंडर सेल में आएगा और उसके बाद एक डेट जो है फिर डिसाइड हो करके बात समझिए, और जो 4 टेंडरर हैं उनको उनको जो है इनवाइट किया जाएगा कि भाई फाइनेंशियल बीड भी इस डेट को ओपन होगा, तो ठीक है वो लोग आएंगे। और उस समय ध्यान रखिए मैं एक बात बता दूं, जब टेक्निकल बीड खोला गया तो फाइनेंशियल बीड मान लीजिए अभी अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि 5 टेंडर पार्टिसिपेट किए तो 5 लिफाफा जो फाइनेंशियल बीड का है वो जो टेंडर ओपनिंग जो अथॉरिटी है उनका कर्तव्य है कि उस 5 लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में सील्ड करके रख दें टेंडर सेल में। तो ठीक है, तो उस दिन जब देखिए तो भाई दूसरा पैकेट फिर खोला जाएगा। ठीक है, तो जब दूसरा पैकेट खोला जाएगा तो उसमें देखिए उसमें 5 पैकेट निकलेंगे, बड़े लिफाफा में सील्ड है तो 5 पैकेट निकलेंगे जिसमें से देखिए 4 ही क्वालिफाई किए हैं, तो एक जो टेंडरर है क्वालिफाई नहीं किया है उसका जो
बी मार्क वाला, बी मार्क या उसको कहेंगे फाइनेंशियल बीड, वो नहीं ओपन किया जाएगा क्योंकि उसने तो क्वालिफाई ही नहीं किया, तो उसको उसका रेट जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में ये जो फाइनेंशियल बीड है उसमें सिर्फ रेट होता है, उसमें सिर्फ रेट होता है। तो ठीक है, अब जो है देखिए क्या है कि सीधी सीधी बात है कि ठीक उन्हीं चार टेंडरर का जो है ये फाइनेंशियल बीड खोला जाएगा और उसके बाद जो है भाई देखिए कंपेटिटिव स्टेटमेंट बना करके और फिर टीसी मेंबर के पास इसको फाइनेंशियल बीड को भी भेज दिया जाएगा। और जो टीसी मेंबर हैं देखिए जो उपलब्ध रेट के बेस पर टीसी जो मेंबर देखिए टीसी कमेटी जो होती है टेंडर कमेटी वो नियमानुसार टेंडर अलॉट करने की कार्यवाही करते हैं, नियमानुसार टेंडर अलॉट करने की कार्यवाही करते हैं। तो ये है आपका टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग। तो वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, अगले पार्ट में हम आपको फिर जो है न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।